हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी हम आए हुए हैं समस्तीपुर का मुसरी घरारी। बात करें समस्तीपुर मार्केट से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये मुसरी घरारी है। और यहाँ से हम निकलेंगे मुसरी घरारी वाटर पार्क, जो वाटर पार्क न्यू बन के क्या अपडेट है, तमाम चीज़ आप लोग को हम दिखाएंगे बताएंगे। और जैसा देख पा रहे हैं अभी आ चुके हैं समस्तीपुर का जो वाटर पार्क है उसके अंदर में। और यहाँ पर देख पाइएगा काम अभी चल ही रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीका से यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर देख पाइएगा गेट पर भी कुछ काम चल रहा है। और इस साइड में आप लोग दिखा दें ये स्लाइड का, ये भी काम अभी समझिए 80% काम हो चुका है। और उस साइड देख पाइएगा जो 4 मंजिल का रहता है, 40 फीट का रहता है, वहाँ पर कुछ अभी काम चल रहा है। वहाँ पर भी चल के आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे कि आखिर जो समस्तीपुर का मुसरी घरारी जो वाटर पार्क ओपन होने वाला था, ये लास्ट मंथ में बताया गया था कि लास्ट मंथ में ये ओपन हो जाएगा, लेकिन कुछ काम की वजह से, कुछ मेंटेनेंस काम की वजह से अभी तक काम चल रहा है और बहुत जल्द से जल्द बनने वाला है। और आप लोग को चलते हैं वाटर पार्क में क्या सब सुविधाएं होती है, तमाम चीज़ को आप लोग को दिखाते हैं बताते हैं कि आखिर वाटर पार्क में अगर आप आते हैं तो क्या सब इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, क्या सब एंजॉय कर सकते हैं, सभी चीज़ को आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पर देख पाइएगा पहला वीडियो में आप लोग को देखने को मिला था ये पेड़ पौधा लगा हुआ नहीं था, लेकिन अभी देखिएगा बिल्कुल कतारबद्ध लाइनबद्ध आप लोग देख पाइएगा ये जो पेड़ होता है पेड़ लगा दिया गया है, वातावरण के तौर से भी, सुंदरता के तौर से भी। और इस तरफ देख पाइएगा लगता है आर्टिफिशियल जो घास होता है वो लगाया गया है, हो सकता है इसमें पानी पड़ेगा ये अपना जो होता है पौधा होता है वो रूप में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से बनाया गया है। और आगे चल के और चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, जो पहला वीडियो में आप लोग को देखने को मिला था इतना चीज़ नहीं था, लेकिन अभी देखिएगा बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है और काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। और बहुत जल्द कोशिश ये सब भी करेंगे कि जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। क्यों देख पा रहे हैं ये स्लाइड जो लगा हुआ है, इस स्लाइड पर ये छोटा स्लाइड इसे हम बोलेंगे क्योंकि बड़ा स्लाइड उधर 40 फीट वाला है। और ये भी है, और इसमें होता है कि जो वयस्क लोग होते हैं उनका हार्ट मजबूत होता है, वो 40 फीट वाले स्लाइड से भी स्लाइड करते हैं, परंतु इस सब पर जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं वो सब इसमें करते हैं, जो खासकर महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो सब इस पर से स्लाइड करके डायरेक्ट वहाँ पर जो पानी रहता है उस पानी में जाते हैं। और बगल में आप लोग को दिखाएंगे जो वेव देने वाली वाटर होता है, जो लहर मारता है समुद्री लहर, वो किस तरह से बन रहा है वो भी आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे। और इस तरफ आप लोग देख पाइएगा यहाँ पर जो म्यूज़िक चलता है, जो डांस वगैरह लोग करते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है, कुल पानी होता है, कुल पानी होने की वजह से म्यूज़िक भी चलते रहता है, उस पर लोग डांस करते हैं, थिरकते हैं और शरीर में कुछ गर्मी भी आता है। और एक माहौल गजब तरीका का आप लोग देख पाइएगा अगर आते हैं तो, वही सब चीज़ रहता है वाटर पार्क में। और अभी हम आए हुए हैं मुसरी घरारी की जो वाटर पार्क है उसमें। हमें लगा कि शायद आज महीना का लास्ट डे है, हो सकता है चालू हो गया होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द चालू होने वाला है। कर लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार शाह। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम पहला वीडियो में आए थे कवर करने के लिए उसमें पता चला लास्ट मंथ तक, अप्रैल तक चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी 80% काम हुआ है और लगभग 20% अभी बाकी है। कब तक चालू ये जो है? सो हम लोग से जो बात हुई थी, गए थे विजिट करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो बोले विजिट में बोल दिए जो 7 तारीख से चालू है, ये मई महीने में। मई महीना? जी जी जी। अच्छा, मई है 7 तारीख, तो लगभग हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना। अब कल से मई स्टार्ट हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर देख पाइएगा बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं कि समस्तीपुर का जो वाटर पार्क है उसमें जाएं, देखें सुने आखिर क्या है। और अभी इसका नाम तो पड़ गया है, लेकिन इसका टिकट प्राइस अभी नहीं पड़ा है, क्योंकि जब शुरुआत होगा तब इसका टिकट प्राइस क्या होता है वो आप लोग को हम बतलाएंगे, लेकिन अभी जैसे बतलाए हैं जो है, हाँ, लगभग 500 रुपया के रेंज में बोल रहे थे। अच्छा, जो विजिट करने गए थे उसमें कूपन ऊपन भी था। अच्छा, जो 1000 कूपन बोल रहे थे है उसमें 2 लोग का है। अच्छा, लेकिन 2 पर 2 फ्री है। अच्छा, हाँ, तो 1000 कूपन ऐसे बोले, 500 का टिकट है। हम लोग जो विजिट किए हैं। अच्छा,
वो पर हम लोग बोले थे तो बात ये, बता रहे ये आप हाँ ये कंफर्म नहीं है लेकिन नहीं, यही हाँ, के आसपास में आसपास में होने वाला या 400 हो 450 हो या 500 हो यही के रेंज में टिकट प्राइस होने वाला है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले जाते थे पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, जेंट्स लोग तो चले जाते थे लेकिन लेडीज नहीं जाती थी, महिलाएं नहीं जाती थी, लड़कियां नहीं जाती थी। उन लोगों को भी रहता है कि वाटर पार्क क्या चीज़ होता है, उसमें जाएं घूमें फिरे। तो अब समस्तीपुर में जो ओपन हो रहा है तो इसमें लोग भारी मात्रा में लोग आएंगे। ये गर्व की बात है ना जो हमारे जिला में अब हो गया समस्तीपुर जिला में। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तेघरा लोग जाते थे और इधर हाजी पटना जाते थे 100 किलोमीटर। तो ये तो गर्व की बात है हम लोग को जो हमारे गाँव में हो गया। हम लोग का मान लीजिए जो 4 किलोमीटर घर है मात्र, ऐसे घूमने आते हैं ऐसे भी घूम लिए। बिल्कुल। और ऐसा हो जाता है कि जेंट्स लोग तो चले जाते हैं लेकिन जो महिलाएं जो इच्छा होता है वो दबा हुआ रह जाता था, वो अब खुल करके आकर के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब बच्चे के लेकर के फैमिली के लेकर भी आप लोग आ सकते हैं। ऑल फैमिली के साथ आइए और घूमिए, इसमें हम लोग यही कहेंगे। और अगल बगल के लोग को भी बताइए यहाँ आइए, ये गर्व की बात है जो समस्तीपुर जिला में हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं और इसी आप लोग को दिखाते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है घास ये लगाया जा रहा है इसमें सुंदरता के लिए। और यहाँ पर देख पाइएगा 3-4 ऐसा चीज़ बना दिया गया है जहाँ पर घास लगाया जा रहा है। और बगल में आप लोग देख पाइएगा राउंडिंग किया गया है और राउंडिंग के साइड साइड बगल बगल में पेड़ पौधा लगा दिया गया है जो पेड़ देखने में लगता है शायद सुपारी का पेड़ है। जैसा देख पा रहे हैं ये पेड़ लगा दिया गया है और ये बाहर से घास को लाया गया है जो घास हरियाली आप लोग देख पा रहे हैं। और ये लग जाता है तो बिल्कुल हरियाली आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा जैसा देख पा रहे हैं आप लोग को जैसे बतलाए ये ऐसा इसमें वाटर रहता है, पानी रहता है, जो समुद्री लहर जो आता है बिल्कुल वही इसमें रहता है। जब इसका जो बनाया जाता है जब इसमें आते हैं एंजॉय करने के लिए उस समय इंडिकेट किया जाता है, बताया जाता है कि इसका जो जो मशीन वगैरह लगा रहता है वो ऑन हो जाता है तो इसमें समुद्री लहर मारने लगता है। और जो समुद्र में जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के जो मज़ा लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख पाइएगा अभी तैयार ही हो रहा है, बन ही रहा है, लेकिन उद्घाटन आप लोग को बतला दें कि 9 तारीख को होने वाला है और 9 मई को ये ओपनिंग होने वाला है। ओपनिंग के डेट में आएंगे आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सारी सुविधाएं बन चुकी है। और आप लोग समस्तीपुर के हैं तो आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। और चलते हैं थोड़ा और चीज़ आप लोग को दिखा दें कि कितना ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है। जैसा देख पा रहे हैं इस फील्ड में हम घूम रहे हैं और काम जोर शोर से चल रहा है। सर एक हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश। अविनाश, कब से ये चालू हो रहा है? ये 9 तारीख को ओपन होगा। 9 मई को? हाँ 9 मई को। 9 मई को। जैसा आप लोग को रहता है कि मुसरी घरारी समस्तीपुर का जो वाटर पार्क है कब चालू होगा, कब चालू होगा सर बतला रहे हैं? 9 तारीख को चालू हो रहा है।